समाजवादी पार्टी हरियाणा के चुनावी दंगल में उतर सकती है। सपा के उत्तर प्रदेश के मूल निवासी और मुस्लिम मतदाताओं के भरोसे क्षेत्रीय और राष्ट्रीय पार्टी बनाने की तमन्ना है। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा विधानसभा चुनाव में किसी भी दल से गठबंधन करने से इनकार कर चुके हैं। समाजवादी पार्टी की पहचान क्षेत्रीय दल से बढ़कर राष्ट्रीय पार्टी के रूप में दिलाने के लिए अखिलेश यादव भी हरियाणा विधानसभा चुनाव में उतर चुके हैं। इसके लिए उन्होंने इंडिया गठबंधन का हवाला देते हुए कांग्रेस से हरियाणा में 5 विधानसभा सीटें मांगी हैं और वहीं समाजवादी पार्टी को कांग्रेस हाईकमान के जवाब का इंतजार है। हालांकि हरियाणा कांग्रेस विधायक दल के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश में किसी भी गठबंधन से इनकार करते हुए कहा कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन में शामिल है। वहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव में पार्टी किसी भी दल से गठबंधन नहीं करेगी। यदि कांग्रेस हरियाणा में समाजवादी पार्टी को सीटें नहीं देती है तो अखिलेश यादव मध्य प्रदेश की तरह हरियाणा में भी अकेले चुनाव लड़ने का फैसला ले सकते हैं। वहीं लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए यूपी में 37 सीटों पर जीत दर्ज किया। पार्टी को 3 सीटों पर करीबी मुकाबले से हार मिली और यही परिणाम के बाद समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिलाने के प्लान पर काम शुरू कर दिया है। इस रणनीति के तहत समाजवादी पार्टी हरियाणा में विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती है। हरियाणा की 11 विधानसभा सीटों पर अहिर मतदाता निर्णायक स्थिति में दिखाई पड़ते हैं। वहीं 8 से 10 विधानसभा क्षेत्रों में मुस्लिम मतदाताओं की जो संख्या है वो अच्छी खासी है। इसके अलावा प्रदेश में करीब 15 लाख प्रवासी मतदाता हैं। इनमें से करीब 12 लाख मतदाता उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर समाजवादी पार्टी हरियाणा विधानसभा चुनाव के दंगल में अपनी जीत की संभावनाएं टटोल रही है। और वहीं पार्टी ने विकास नेतृत्व से यादव बहुल 5 सीटें मांगी हैं। वहीं जिंद के बूढ़ा खेड़ा के मूल निवासी और समाजवादी पार्टी से पूर्व नेता प्रतिपक्ष उत्तर प्रदेश विधानसभा परिषद संजय लाठर ने बताया है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के साथ बातचीत चल रही है। पार्टी जिन 5 सीटों पर प्रत्याशी उतारना चाहती है उनके बारे में कांग्रेस को बता दिया गया है। उन्होंने कहा कि अब सीटों के समझौते को लेकर फैसला कांग्रेस नेतृत्व को करना है। 2-3 दिन बाद लखनऊ में समाजवादी पार्टी की बैठक होनी है, इसी में हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ने पर फैसला लिया जाएगा। 2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से सीटें मांगी थी। तब मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने दो टूक कह दिया था कि समाजवादी पार्टी को एक भी सीट नहीं देंगे। इसके बाद समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश के 71 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए। अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश में 24 रैलियां की थी और इन रैलियों में अखिलेश यादव के निशाने पर भाजपा से ज्यादा कांग्रेस रही थी। हालांकि समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश को एक भी सीट नहीं दिया, लेकिन समाजवादी पार्टी के वोट काटने की वजह से कांग्रेस जरूर 4 सीटें निवाड़ी, राजनगर और ओरछी और चंदाला पर हार गई थी। और जिस तरह लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने बड़ा दिल दिखाते हुए कांग्रेस को सीटें दी थी, अब हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को भी अपना बड़ापन दिखाना चाहिए और समाजवादी पार्टी को 5 सीटें दे देनी चाहिए। ऐसे में ये सपा के नेता कहते हुए नजर आए, लेकिन अब क्या अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी में फूट पड़ सकती है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को जिस तरीके से अखिलेश यादव ने सीटें दी थी उससे माना ही जा रहा था कि अब हरियाणा में भी कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं समझौता करना पड़ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं गठबंधन में फूट पड़ने की संभावना पूरी तरीके से जताई जा रही है। क्योंकि इस बार अगर अखिलेश यादव ही अकेले चुनावी मैदान में हरियाणा में उतरते हैं तो मध्य प्रदेश की तरह इस बार कांग्रेस का गेम बिगड़ सकता है। ऐसे में नायब सिंह सैनी की लोकप्रियता देखकर कहा जा रहा है कि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सीटों पर और हरियाणा की सीटों पर काबिज होने के लिए पूरी तरीके से तैयार है।